अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो बेल बटन है उसे क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो पसंद आए, तो शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, चांदनी किचन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है मूली के पराठे। सिंपल है मगर टेस्टी है, तो देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं तैयारी। तो शुरू करते हैं पराठा बनाने की तैयारी। इसके लिए मैंने लिए मूली, जो मैंने पहले से काट कर बॉयल करके रखी है। इसका पानी मैंने छीप कर निकाल लिया है। इसमें डालेंगे दो उबले हुए आलू। इन दोनों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, क्योंकि जितना अच्छा इसे हम मैश करेंगे पराठे बनाने में उतनी सुविधा होगी। तो इस तरह से आलू मूली को मैंने मैश कर लिया है। इसमें आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लें, मसाले भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। मैं बता दूंगी क्या क्या डालना है। चुटकी भर काला नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला अपने टेस्ट के अनुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। तो आलू मूली को हमने मैश करके रखा था, उसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। उसके लिए हम डालेंगे कढ़ाई में देसी घी 1 चम्मच और 5 फोरन कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और इसमें हम डालेंगे जरा सी हल्दी, और जो हमने आलू मूली को मसालों के साथ मैश करके रखा था उसे हम डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाले इसमें हमने कम इसलिए डाले हैं क्योंकि इस मूली का जो फ्लेवर है वो बना रहेगा, और जब तक हमारी सब्जी रेडी होती है इसे कुछ देर पकाना है, उतनी देर में हम लगा लेंगे पराठों के लिए आटा। अब मैं लगाऊंगी पराठों के लिए आटा, और उसके लिए हमें चाहिए होगा गेहूँ का आटा। मैंने 1 कप लिया है, आप अपने अंदाज अनुसार ले लें। आपका अगर मसाला ज़्यादा है तो आप आटा ज़्यादा लगा सकते हो, कम है तो कम लगा सकते हो। इसमें डालेंगे मलाई और दूध। अगर आटा लगाते वक्त थोड़ा टाइट हो तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हो। अब इसमें डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। तो आटा भी हमारा लग चुका है, इसे हमने अच्छे से गोंद लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये आटा हमने लगा लिया है अच्छे से गोंद के, पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम पराठों के लिए लोई बनाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ये हमने लोई बना ली है, अब हम इसे बेलेंगे। थोड़ा सा आटा डालेंगे सूखा, और जो हमने लोई बनाई थी उसे इस तरह से छोटी छोटी बेल लेंगे। हमें दोनों लोई को इसी तरह से बेल लेना है। ये इस तरह से हमने दो लोइयों को बेलकर एक साथ रख लिया। अब हम इसे एक पे जो हमने मसाला बनाया था उसे अच्छी तरह से डालेंगे और फैला लेंगे। ये इस तरह से मसाले को हमें पूरी रोटी के ऊपर डालना है। ध्यान रहे कि बाहर नहीं निकले, थोड़ी सी जगह हमें रखनी है। और ऊपर से जो हमने एक और रोटी बनाई थी उसे लगाकर अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा लेंगे,
जिससे कि हमारा मसाला बाहर नहीं आए, और थोड़ा सा सुखा डालकर हम इसे एक बार फिर बेल लेंगे। ये देखिए जो मसाला मैंने अच्छी तरह से मैश करने बोला था, वो इसीलिए कि ये इस तरह से रोटी हमारी बन जाए। तवा गर्म है, अब इसे हम दोनों साइड से घी डालकर सेक लेंगे। अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक लिया है तो तैयार है हमारा आलू मूली का पराठा। इसे आप धनिया की चटनी या दही के साथ भी खा सकते हैं।